एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन दयालु और बहुत अच्छा लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था, तब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दे दो, मैं मर रहा हूँ। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलसी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिर पेड़ को पानी मिल ही गया और वो ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह हर एक पेड़ को बचा सकता है तो वो कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कांटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्द ही सभी लोगों को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वो जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीज़ों भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर हम सभी सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें से भी बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।